हेलो फैमिली, वेलकम टू माय चैनल फूडी गुनी में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए बड़ी अमेजिंग एंड डिलीशियस सी सब्जी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ही अमेजिंग एंड टेस्टी लगती है, बहुत ही यमी यमी लगती है। फैमिली, बच्चे बूढ़े सबको ये रेसिपी पसंद आएगी, मेरी गारंटी है ये। तो फैमिली, आज मैं आपके लिए पालक कॉर्न की सब्जी बना रही हूँ, जो कि बहुत ही अमेजिंग एंड डिलीशियस यमी यमी सी लगती है। फैमिली, आप डिनर में खाइए, लंच में सर्व करिए, किसी भी टाइम सर्व करिए, बड़ी अमेजिंग लगती है। रोटी, नान, चावल, जिसके साथ खाना चाहे उसके साथ खाइए, बहुत अमेजिंग लगती है। फैमिली, तो गपशप करने के बाद में आज चलते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो फैमिली, ये रहे हमारे कुछ मेजर से इंग्रेडिएंट्स। तो चलिए बताते हैं हमने क्या चीज कितनी क्वांटिटी में लिया है। तो फैमिली, सबसे पहले हमारा मेन इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे मैंने ले लिया है पालक। इसे मैंने ब्लांच करके प्यूरी बना ली है इसकी, आप देख सकते हैं इसका कलर फेड नहीं हुआ है। जैसा पालक का कलर होता है, अगर आप ब्लांच करके अगर फैमिली आप पेस्ट बनाते हैं ना, तो पालक का जो कलर होता है पेस्ट बनाते टाइम, वो कलर फेड नहीं होता है। यही प्रॉब्लम आती है हमारे पालक पनीर या फिर पालक कॉर्न की सब्जी में। जो मार्केट स्टाइल अगर हम खाते हैं फैमिली, बात करें होटल्स रेस्टोरेंट की, तो उनके पालक में क्या होता है कि कलर जो होता है वो फेड नहीं होता है। बट जब हम घर में उस चीज को ट्राई करते हैं तो वो कलर फेड हो जाते हैं। तो यही प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि पालक हमेशा ब्लांच करके पेस्ट करिए, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। फ्लेवर भी इनहांस होता है और लुक वाइज भी बड़ा ही अमेजिंग लगता है। पालक का ओरिजिनल कलर फेस करते हैं हम। ओके, तो यहाँ पे मैंने ले लिया है कॉर्न, ये करीब हाफ कप के करीब मैंने कॉर्न ले लिया है, क्योंकि भाई पालक कॉर्न की सब्जी है, नाम ही पालक कॉर्न है, तो क्वांटिटी भी ज्यादा ही होनी चाहिए, है ना। तो मैंने पालक, जितनी पालक की क्वांटिटी रखी है उससे जस्ट हाफ मैंने कॉर्न की क्वांटिटी रखी है। ओके, यहाँ पे मैंने ले लिया है बटर, ये करीब 2 से 3 टेबल स्पून के करीब बटर है। यहाँ पे मैंने ले लिया फैमिली ऑयल। अगर आप किसी भी कोई भी सब्जी अगर ऑयल में बटर में बनाते हैं फैमिली, तो हमेशा जितना बटर रखेंगे उसका 1/4, मतलब कि अगर 2 टेबल स्पून आप बटर रख रहे हैं तो 1 टेबल स्पून आपको ऑयल रखना ही है, क्योंकि फिर हमारा जब बटर मेल्ट होता है ना, तो वो हीटिंग प्रोसेस पे आके वो जल जाता है, तो वो जो टेस्ट होता है ना वो खराब कर देता है। तो इसलिए जितना बटर उसका जस्ट हाफ एक वन टेबल स्पून आप उसमें ऑयल डाल दीजिए। ओके, तो ये रेशियो हमेशा ध्यान रखिएगा। यहाँ पे मैं फैमिली फ्रेश क्रीम यूज कर रही हूँ, मैं मार्केट क्रीम यूज नहीं करती हूँ, क्योंकि वो कितनी पुरानी है, क्या है, मुझे बिल्कुल पता नहीं है ना, हम में से किसी को पता नहीं है। तो इस वजह से मैं हमेशा फ्रेश क्रीम ही यूज करती हूँ, जो हमारे दूध में मलाई निकलती है, जो स्टोर करते हैं हम उसे ही यूज करते हैं। मैंने इसको बीट कर लिया अच्छे से, ये करीब 4 to 5 टेबल स्पून के करीब मैंने फ्रेश क्रीम ली है। अगर आप यूज करते हैं देन आप वही यूज करिए, सेम क्वांटिटी में आप वो क्रीम ले लीजिए। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्रीम ले लिया है। यहाँ पे मैंने फाइन चॉप करके अनियन ले लिया है, 1 छोटा प्याज है ये, और 1 छोटा ही टमाटर मैंने फाइन चॉप कर लिया है। ओके, तो यहाँ तो फैमिली हो गया कुछ मेन इंग्रेडिएंट्स हमारे। यहाँ मैंने कुछ लिए हैं थोड़े स्पाइसेस अपने। यहाँ पे मैंने ले लिया है ग्रीन चिली, इसको अच्छे से फाइन चॉप कर लिया है फैमिली मैंने। ओके, यहाँ पे मैंने ले लिया थोड़ा सा तड़का लगाने के लिए, भाई जीरा, हमारे इंडियन फूड में जीरे का तड़का ना लगे ऐसा हो ही नहीं सकता है ना। तो 1/2 टीस्पून के करीब मैंने क्यूमिन लिया है मैंने। यहाँ पे कुछ स्पाइसेस मैं यूज कर रही हूँ, सॉल्ट 1/2 टीस्पून के करीब, या फिर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिए। स्पाइसेस यूज करूंगी रेड चिली, टर्मरिक एकदम पिंच ऑफ, थोड़ा सा अगर मैं बात करूँ कोरिएंडर, थोड़ा फ्लेवर एनहांस करेगा। ओके, और यहाँ पे मैं ले रही हूँ फैमिली थोड़े खड़े मसाले, क्योंकि पालक का जो फ्लेवर होता है ना वो थोड़ा सा फैमिली खारा टाइप का, खारापन आता है वैसा फ्लेवर होता है, तो उसका जो फ्लेवर है वो चीज दबाने के लिए हम थोड़ा उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर देने का ट्राई करेंगे। तो इस वजह से यहाँ पे हम थोड़े खड़े मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 2 इंच का टुकड़ा मैंने लिया है दालचीनी का, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 2-3 लौंग ले लिए हैं, थोड़ी सी जावित्री ली है मैंने, और यहाँ पे मैंने ले लिया है 2 खड़ी लाल मिर्च। ओके, तो ये फैमिली रहे हमारे कुछ खड़े मसाले। सो फैमिली, ये रहे हमारे कुछ मेजर से इंग्रेडिएंट्स। सो चलिए चलते हम अपने कुकिंग प्रोसेस की तरफ। सो फैमिली, मैंने यहाँ एक पैन लिया है, इसको प्रॉपर अच्छे से हीट कर लिया है। ओके, अब इसमें हम ऐड कर देंगे बटर। ऑयल एंड बटर एकदम प्रॉपर हीट हो चुका है। ओके, अब इसमें हम ऐड कर देंगे क्यूमिन। तो फैमिली, हमने सारे जितने खड़े मसाले थे वो भी ऐड कर दिए हैं।
फैमिली फ्लेवर की बात करूं, अगर स्मेल की मैं बात करूं तो फ्लेवर तो बहुत ही अमेजिंग आने वाला है। स्मेल बड़ी अमेजिंग आ रही है क्योंकि जो खड़े मसाले और बटर का जो मिक्सचर हुआ है ना वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। स्मेल ही बहुत अच्छी आ रही है। सोचिए जब रेसिपी हमारी बन के रेडी होगी तो कितनी अमेजिंग होगी, है ना। बस हमने इसको अच्छे से सौते कर लिया है। अब इसमें हम ग्रीन चिली चॉप की भी डाल देते हैं। फैमिली आप चाहें तो इसके बाद आप जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी डाल सकते हैं, बट जो स्किप करना चाहें वो स्किप कर सकते हैं, मेरी तरह जैसे मैंने स्किप कर दिया। ओके, हम ज़्यादा कुक नहीं करेंगे ग्रीन चिली या फिर मसालों को, क्योंकि अभी सारी चीज़ें ऐड करने के बाद भी हम कुक करेंगे। ओके, अब इसमें हम अनियन ऐड कर देंगे। सो फैमिली हल्का कुक हो चुका है हमारा अनियन जो है, अब इसमें हम टमाटो ऐड कर देंगे। सो फैमिली ये सारी चीजें तो हमने ऐड कर दी है। अब जब टमाटो ऐड किया है हमने तो हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसी समय ऐड कर दीजिए, बेटर है। सॉल्ट ऐड किया, पिंच ऑफ टर्मरिक, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी चिली, थोड़ी सी कोरिएंडर। ओके, अगेन मिक्स कर लेते हैं इसको। सो फैमिली मसाला हो चुका है रेडी, तो अब इसमें हम पालक ग्रेवी ऐड कर देंगे। सो फैमिली यहाँ पे मैंने पालक ग्रेवी ऐड तो कर दी है, बट ये है तो थोड़ी बहुत कुक ही, क्योंकि हमने ब्लांच किया, मतलब कि ये कुक हो चुकी है। पर फिर भी हम इसमें थोड़ा सा वाटर ऐड करने के बाद इसमें लीड लगा के इसे अच्छे से थोड़ा पकाते हैं, ताकि इसका जो हल्का और जो कच्चापन है ना वो भी निकल जाए। ओके, सो फैमिली पालक का ही रिड्यूस वाटर जो भी बचा था मिक्सी जार में जब मैंने इसको पीसा था तो वही बचा था, मैं वही वाटर ऐड कर दे रही हूँ। ओके, अभी हम इसमें अब कुछ नहीं मिलाएंगे, अब बस हम लीड लगा के इसका वेट करेंगे ये अच्छे से कुक हो जाए। ओके, करीब 5 मिनट्स के लिए हम इसमें लीड लगाएंगे, अच्छे से इसमें खोल आ जाए, बॉयल आ जाए, देन हम लीड हटाएंगे, देन उसके बाद हम नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। ओके, सो फैमिली करीब इसे 5 मिनट्स हो चुके हैं, वही लीड हटाते हैं, देखते हैं क्या हाल चाल है इनका। भाई कितना अमेजिंग लग रहा है फैमिली, है ना, मुझे तो बड़ा अमेजिंग ना अच्छा लग रहा है ये देखिए, है ना फैमिली। आप देख सकते हैं कि ग्रेवी जो है थोड़ी थिक हो चुकी है और मुझे ऐसा ही कलर चाहिए था। ओके, अभी आपको लग रहा होगा कि ये कलर इतना ज़्यादा डार्क हो गया है, ऐसा तो नहीं होता है। अभी हमारी क्रीम बाकी है जो एकदम वाइट है और इसको थोड़ा सा ग्रीन करने की वो हेल्प करेगी। ओके, तो फैमिली हमारी जो ग्रेवी है वो थिक हो चुकी है, और थिक हो गई मतलब ये पक चुकी है, मतलब हमारा जो पालक है वो कच्चा नहीं है। ओके, तो अब इसमें हम जो हमारी क्रीम है उसे ऐड कर देंगे। हो गया ना कलर चेंज फैमिली, तो हमें कुछ ऐसी ही टेक्सचर चाहिए था। आप चाहें तो और क्रीम ऐड कर लीजिए, ये मलाई क्रीम, दूध, कुछ भी ऐड कर लीजिए और कलर एनहांस हो जाएगा, जरूरी नहीं है मुझे इतना ही चाहिए, मुझे इतना पसंद है, मैंने कर लिया है। ओके, तो फैमिली हमारा जो टेक्सचर है वो आ चुका है अच्छे से, और अगर आप चाहें इसे पता करना कि कैसे कुक हुआ है कि नहीं, अभी तक ऑयल रिलीज हुआ है कि नहीं, तो आप साइडिंग को अगर अच्छे से एक बार वो करेंगे तो ये देखिए ये ऑयलिंग जो है ऊपर आ जाएगी। ओके, तो समझ जाइए आप कि आपका जो पालक है वो अच्छे से कुक हुआ है या नहीं। ओके ओके, तो फैमिली हमारी ग्रेवी जो है वो रेडी हो गई है, पालक ग्रेवी। फैमिली ये जो पालक ग्रेवी मैंने बनाई, आप ग्रेवी चेंज होती है, अदरवाइज आप उसमें जो भी चीज़ ऐड कर सकते हैं। ग्रेवी अपनी बना के रख लीजिए आप, और इसमें आप पनीर है या फिर कॉर्न है, बेबी कॉर्न है, पोटैटो है, या फिर और भी सारी सब्जियां अगर ऐड करना चाहें
तो भी फैमिली हम इसमें कर सकते हैं। ओके, तो फैमिली ग्रेवी तो हमारी रेडी हो चुकी है और हमने जो बॉयल करके अपना हमने कॉर्न रखा था हम उसे ऐड कर देते हैं। ओके ओके, तो फैमिली हमारी जो सब्जी है वो तो हो चुकी है रेडी, बट फिर भी मतलब सारी चीजें तो पकी हैं, मतलब रेडी ही हो चुकी है, पर फिर भी हमने कॉर्न ऐड किया इसलिए हम इसमें लीड लगा के, या तो आप फ्लेम ऑफ करके लीड लगा के 5 मिनट छोड़ दीजिए, या 2 मिनट के लिए आप फ्लेम ऑन करके ही आप लीड लगा दीजिए। ओके, तो मेरी फ्लेम ऑन है और हम 2 मिनट्स के लिए इसका वेट करेंगे। ओके, ताकि जो हमारा कॉर्न है वो बॉयल जरूर हो गया बट एक सब्जी का जो फ्लेवर होता है वो आ जाए उसमें, देन उसके बाद हम इसको सर्व कर देंगे। ओके, सो फैमिली करीब 2 मिनट हो चुके हैं, तो भाई लीड उठाते हैं, देखते हैं क्या हाल चाल है इनका। ओके, वाओ कितना अमेजिंग लग रहा है। सो फैमिली आप देख सकते हैं कि जितना भी ऑयल था वो रिड्यूस हो चुका है, मतलब हमारी जो सब्जी है वो रेडी हो चुकी है। ओके, तो हम एक बार इसको फिर से स्टर कर लेते हैं। पालक की ग्रेवी में अगर आप कभी भी ऑयल वगैरह ऐड करते हैं तो वो हमेशा एट लास्ट वो सारा ऑयल रिड्यूस कर देता है, वो एब्जर्व नहीं करता है। ओके, तो फैमिली ये तो हो चुका है रेडी, हमारी सब्जी हो चुकी है रेडी, तो चलिए कर लेते हैं हम अब इसकी प्लेटिंग। ओके, सो फाइनली फैमिली हमारी प्लेटिंग हो चुकी है रेडी, जैसा कि अभी आपने देखा, और ये लुक वाइज तो बड़ा ही अमेजिंग एंड डिलीशियस लग रहा है, होप सो खाने में भी उतना ही अमेजिंग एंड डिलीशियस हो। तो फैमिली आप वेट करिए और हम टेस्ट करके इसे बताते हैं कि ये बना कैसा है। ओके, फैमिली बहुत ही अमेजिंग बना है। फ्लेवर अगर हम बात करें थोड़ा बटरी फ्लेवर, थोड़ा सा चटपटा फ्लेवर आ रहा है, बहुत ही अमेजिंग लग रहा है फैमिली। और कॉर्न का फ्लेवर जो हल्का मिठास फ्लेवर आ रहा है वो भी बहुत अच्छा लग रहा है। हमने चीनी जरूर नहीं डाली है बट हमने जो मलाई डाली है, मलाई हल्की सी तो मिठास देती ही है फैमिली, उसका फ्लेवर और कॉर्न का फ्लेवर, वो जो हल्का मीठापन नमकीन मीठा मिक्स होके फ्लेवर आ रहा है, बड़ा ही अमेजिंग लग रहा है। और जो हमने खड़े मसाले डाले हैं वो तो और भी ज़्यादा अमेजिंग लग रहा है, वो जो पालक का खारापन होता है ना वो नहीं आ रहा है उस फ्लेवर में। फैमिली सोचिए इतनी अमेजिंग सब्जी अगर हम घर में बना सकते हैं, पनीर नहीं डाला है मैंने, पालक तो नॉर्मली हमारे घर में आती है, बस कॉर्न भी हमारे घर में अवेलेबल हो ही जाता है, अगर नहीं है तो इतनी सिंपल सी एक कॉर्न से हम इतनी अच्छी सब्जी बना सकते हैं, तो क्या बात है ना। सो फैमिली होप सो आपको मेरी रेसिपी वीडियो पसंद आई होगी, और अगर हमारी रेसिपी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर क्लिक कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।